हे हाय गाइस मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में और आज के हमारे गेस्ट हैं करण ठाकुर हेलो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके द गहना शो में आके और थोड़ा सा एक्साइटेड भी थोड़ा सा नर्वस भी, hmm, भी क्या क्या बातें होने वाली है <laughs> <laughs> बहुत सारी पर्सनल बातें रिवील होने वाली है करण <laughs> okay. देखते हैं देखते देखते हैं, दिखते hmm. हैं। सो करण मुझे एक बात बताओ जितना मैं जानती हूँ आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। है

करन अर्जुन आएगा और ये जो है बड़ा के हीरो बनेगा है है ये वो तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा प्लान ना चेंज करना पड़ेगा सबको हुँ. बताना जरूरी नहीं लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि यार तुम बनो. Okay. तो उल्टा हुआ मेरे साथ मैंने नहीं बोला लोगों को लोगों ने मुझे बोला कि यार तुम इतने अच्छे परफॉर्मर हो स्टेज पे इतना कर लेते हैं hmm. तो वैसा होगा। so, जैसे आपने जब पहली बार सोचा होगा, तो आपके में था कि आप हर कोई सोचता है या नहीं? Hmm. बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है यार uh, थैंकफुली yeah, लोगों को ना डे ड्रीम्स देखने की आदत होती है पर मुझे उतनी नहीं थी डे ड्रीम्स देखने की आदत क्योंकि मुझे पता था कि यार

काफी हैं मेंटली हाँ। बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ तो यार, यार ये शो नहीं मिला या फिर ये एड नहीं मिली या फिर इस जगह नहीं हुआ अब मुझे पता है कि यार इस आप, प्रोसेस। हाँ। आप हर जगह नहीं हो सकते आप हर जगह से आपको अच्छे पैसे नहीं मिल सकते आप हर जगह पे यू you नो know, अच्छी पोजीशन में नहीं आ सकते सो so, यू और वो चीज़ जो है मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस बहुत ज्यादा आ गया है इतने सालों में और दूसरा कि अगर रेट करना हो जर्नी को तो आई वुड सेवन पॉइंट फाइव से पास हो गया सरवाइव करके हूं टिक गया, गया तो डिस्टिंक्शन तो बनता है बिल्कुल सो so, करन एक बात मुझे बता अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों की बात बता दूं करण के बारे में जब मैं बॉम्बे बहुत पहली पहली बार आई थी तो करण मेरा सबसे पुराना दोस्त है पहला दोस्त है एक्चुअली yes. हाँ. हाँ. <laughs> yes, हाँ, तो बिल्कुल Dost बिल्कुल लेकिन उसमें हीरोइन ही होनी चाहिए, हाँ? हो चाहिए गोविंदा हमारे पापा बन सकते हाँ यार तो पापा वाले ही हो गए हैं तो बताओ दोस्तों जब मैं पहली बार करण को मिली थी तो हम लोग नीला टेलीफिल्म में ऑडिशन देने गई थी करण मुझे वहाँ पहली बार मिलता है और मुझे एक्टिंग सिखाता है और मुझे का फर्ज डे <laughs> वन से ही तो करण मुझे बताओ जब आप मुझे पहली बार मिले थे तब मैं कैसी थी पब्लिक मुझे नहीं जानती है ये बात है बहुत पुरानी मुझे लगता है कि जिस गहना वशिष्ठ को आप लोग अब जानते हैं वो बहुत अलग है उस गहना वशिष्ठ तो जिसको मैं जानता था हाँ। एक डरी सहमी लड़की जो कि ना बहुत सारे ड्रीम्स और एस्पिरेशन लेके बॉम्बे आई थी और किसी को नहीं जानती थी बॉम्बे में यू नो लोगो का कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट होते हैं चाचा मामा ही होते हैं कुछ ना कुछ किसी को नहीं जानती थी और आई रिमेम्बर शूज पहन के जाती थी ऑडिशन में बोलती थी मुझे सैंडल में चला नहीं जाता है और एक थैली में अपने सैंडल्स रखती थी, थी और ठीक से शायद मेकअप भी नहीं करना बहुत ही नाइस बहुत ही यू नो आप एकदम कॉलेज के बाद ही जब आए होते हो सो बट Hats off to you. इतनी खूबसूरत जर्नी अपने बल पे और यू you नो know, अपनी मेहनत के साथ अपनी किस्मत के साथ इतना कुछ अचीव किया इतना नाम कमाया और यू uh, नो you know, आज यू हैज ए फ्रेंड क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे साथ ना उस जर्नी में बहुत सारे लोग और भी जुड़े hmm. बहुत सारे फ्रेंड्स रूममेट्स बहुत सारे को एक्टर्स जिनकी जर्नी हमने देखी और मुझे लगता है कि बॉम्बे में ना सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट को ज़्यादा खेल है काम मिलना ना मिलना सेकेंडरी आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो अपने रेंट कैसे पे कर रहे हो अपने डे टू डे एक्सपेंसिस कैसे उठा रहे हो और ऐसे में हम लोग इतनी आगे बढ़ गए करेक्ट मुझे मुझे ऑडिशन तो exactly. देना नहीं आता था दोस्तों, तो मुझे ने बहुत सारे ऑडिशन देने सिखाए और मुझे याद है मैं कॉलेज जाती थी सो so, कॉलेज जैसे मेरी खत्म होती थी मैं पॉलीथिन में ऐसे सैंडल कैरी करती थी इसके बाद बाइक थी ये मुझे बाइक में बैठाता था मैं बाइक में पीछे बैठे बैठे से शूज चेंज करती थी ओह मतलब कम सो फार यार मतलब इतना कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत देखे हैं हाँ। फेम भी देखा है ग्लैमर भी, भी, भी देखा है बहुत सारे भी देखा है। भी देखे हैं बहुत सारे यू नो बैड और सैड और अगली मोमेंट्स भी देखे हैं बट इन दी एंड अगर आपके अंदर वो जज्बा है जो हम लोगों में है वो पैशन हाँ। है हाँ। तो you know, कुछ कर दिखाने का जो आपको बॉम्बे में सरवाइव करना बहुत जरूरी है और ये मान के रखना है कितने सारे मौसम झेलता है okay. सर्दी गर्मी बरसात तो वैसे हमको एक पौधे से अगर पेड़ बन रहे हैं तो बहुत सारे बॉम्बे में झेलने पड़ेंगे तो करण मुझे और चीज बताओ

अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बॉम्बे में ही बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं बट अदरवाइज कितने ऐसे पूरी के पूरी शहर में एक भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है फैक्ट है सो थैंकफुली जो ऑनलाइन मीडियम था जूम का या गूगल मीट का वहां से बहुत सारे लोगों से हम जुड़े हमने उनको एक्टिंग ऑडिशन के बारे में बताया और सबसे ज्यादा अवेयरनेस फैलाई कि स्कैम्स कैसे होते हैं इंडस्ट्री में कार्ड के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और बहुत सारे स्कैम्स के बारे में नॉलेज दी और थैंकफुली उस दौरान यू you नो know, होता ना कि uh, तो exactly. तो उस obstacle को मैंने as opportunity use किया और और निकल निकल गया गया वो बुरा वक्त था। भगवान फिर से देना। हाँ. पर निकल गया और अच्छे से कोरोना देना। अच्छे ही निकला। बट अभी उतनी रेगुलर नहीं है क्योंकि अभी एक्टिंग का ज्यादा काम वापस आ गया make sure कि लेता हूं। so, दोस्तों अगर आप इनसे कुछ एक्टिंग सीखना चाहें क्यूँकी मैंने भी सीखी है इज टू गुड ट्रस्ट मी गुरु जी थैंक यू तो अगर आप इनसे कुछ सीखना चाहें जी 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 गुरु जी जी गुरु जी <laughs> तो करण मुझे एक और बात बताओ हुँ। जैसे यहाँ पे लड़कों को भी बहुत सारे गेस कोऑर्डिनेटर्स को फेस करना पड़ता है जब आप नए नए होते हो तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो लोग हैं ये कितने हेल्पफुल होते हैं कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं या इनसे कैसे बचा जाए या आपने इन सबसे कैसे डील किया है

बट आई ऑल्सो फील कि ये चीज कहीं ना कहीं गलत इसीलिए है क्योंकि तो बहुत सारे लोग ना एक्सप्ल फील करते हैं हाँ. तो उनको लगता है कि यार हम लोग तो इनको फेवर भी दे दिया और काम भी कुछ नहीं मिला। करेक्ट और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपने फेवर भी दे दिया और काम मिल भी गया हाँ. तो इसमें कोई सही गलत नहीं मुझे लगता है ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है कि अगर आप उस राह में जाना चाहते हैं सो इट डिपेंड्स ऑन यू लेकिन उस राह में एक चीज मैं आपको उसके लिए पहले ही आगाह कर कर अवेयर कि अपने आप के साथ ना आपको किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको अपने वो सेल्फ अवेयरनेस पता होनी चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं या जा रही हूँ और उसके साथ साथ फिर ना हो सकता है कि आपको सर्कुलेट भी किया जाए कि एक हाँ। एक बोले तो किसी और अपने फ्रेंड को कि यार ये अवेलेबल है हाँ। इसको थोड़ा काम का लालच दो ये आ जाएगा फिर दूसरे से आप तीसरे तीसरे से चौथे के पास चले जाओगे और वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपका बढ़ सकता है सो so, इंस्टेंट अपने स्किल्स पे अपने क्राफ्ट पे अपने टैलेंट पे ज्यादा काम करो ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आप से इस ना करने हाँ क्योंकि कई बार क्या होता है सब सिचुएशन पे जाने के बाद लोगों को काम नहीं मिलता फिर फिर वो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं फिर वो काम नहीं कर पाते बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है सो so, दोस्तों आपको हमेशा एक बात याद रखनी की अगर आप में काबिलियत नहीं है अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आपको दुनिया में कोई काम नहीं दे सकता तो सबसे पहले अपने स्किल अपने क्राफ्ट अपने टैलेंट पे काम करो अच्छा मुझे एक और चीज बताओ हाँ। अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स न्यू कमर्स से पैसे लेते हैं हाँ। उनसे कहते हैं कि आप पैसे दे दीजिए रजिस्ट्रेशन के हुँ। नाम हुँ। पे या वो आपको मैसेजेस भेजेंगे उसके लिए तो ये कहाँ तक हेल्पफुल होते हैं जो लोग आपसे पहले पैसे ले लेते हैं बिल्कुल नहीं एक परसेंट इंडस्ट्री का एक साफ साफ रूल है कि जो आपसे काम लेता है वो आपको पैसे देता है हाँ। आपसे पैसे लेने वाले लोग आपको कभी काम नहीं दे पाएंगे हाँ। चाहे वो 500-600 रुपए की छोटी रकम ही वो होता है ना कुछ की आप पांच सौ रुपये रजिस्ट्रेशन करवा लो हम आपको काम हाँ, दे देंगे हाँ। बिल्कुल नहीं जो कास्टिंग एजेंसी होती है वो आपको हो सकता है कि आपके पैसे मिलने के बाद आपको एक कमीशन देना पड़ेगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वो ठीक है वो आपको काम दिला रहे हैं लेकिन जो काम से पहले पैसे लेने का जो फंडा है प्लीज मत करो क्योंकि हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों लेकिन वो शायद आपकी या आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है हाँ। तो उसको ऐसे ज्यादा मत करो कि यार चलो के देखते हैं क्या होगा नहीं बहुत सारे जनरल प्रोडक्शन हाउस हैं कास्टिंग एजेंसीज है कास्टिंग डायरेक्टर्स है, हैं कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि जनवरली अच्छा काम करते हैं आप ढूंढो उनको ऐसे लोगों से के संपर्क में आओ और अच्छा काम करो और खामा खा ऐसे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वो पैसे अपने प्रोटीन शेक्स पे अपने जिम मेंबरशिप पे अपनी ग्रूमिंग पे अपने क्राफ्ट पे लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मुझे और चीज बताओ जब हम लोग नए नए आए थे याद कर हम लोग एक क्लब में गए थे हाँ, तो उन दिनों याद है लोग हम लोग को कहा करते थे की आप पार्टीज में जाओगे तो आपके कॉन्टेक्ट बनेंगे हाँ, पार्टीज में काम मिलेगा ऐसे बहुत सारी लड़कियों को बोला जाता है लड़कों हाँ, को बोला जाता है तो मुझे एक बात बताओ करण पार्टीज में जाने से कभी काम मिलता है आपको कभी काम मिला पार्टी में जाकर मुझे तो नहीं मिला मेरे पैसे ही खर्च हुए और एक्चुअली मुझे honestly, ये वाला concept नहीं समझ आता हाँ. क्योंकि पार्टी में अगर suppose, या हाँ. आया आया वो 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 पे काम लग, वो, काम मतलब के लिए नहीं नहीं करने करना करना है enjoy हाँ. करना है हाँ. वो, आ, आपको आपको बोलेगा कि मुझे आपको अपनी फिल्म में लेना है होगा भी तो वो बोलेगा कि यार यू नो ऑडिशन दे दो ऑडिशन होता है फिर लुक टेस्ट होता है फिर आपका डेमो uh, सीन या फिर आपका जो मॉक शूट होता है उसके बाद आपको काम मिलता है सो आई बिलीव कि ये पार्टी वाला कल्चर मतलब मुझे मुझे ये होता है कि किसी के साथ आपने काम कर लिया यू you नो know, आप किसी प्रोडक्शन हाउस का काम किया किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम किया उन्होंने अगर कोई पार्टी थ्रो किया वहां गए